पार्क सर्कस इलाके में दुर्गा पूजा का जिक्र होते ही लोगों का ध्यान सबसे पहले पार्क सर्कस मैदान में होने वाले पार्क सर्कस बिनयापुकुर यूनाइटेड पूजा कमेटी के दुर्गा पूजा की तरफ ही जाता था। पार्क सर्कस मैदान में ही होने वाले उद्दीपनी पार्क सर्कस सार्वजनिक दुर्गा उत्सव का पूजा उसकी चकाचौंध में छुप जाता था। लेकिन जब से उद्दीपनी की नई कमेटी ने जिम्मेदारी संभाली है, तब से उद्दीपनी पार्क सर्कस सार्वजनिक दुर्गा उत्सव की काया पलट हो गई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अर्जुन धवन का है, जिन्होंने उद्दीपनी के दुर्गा पूजा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। पिछले साल की तरह इस साल भी उद्दीपनी ने बेहद खूबसूरत पूजा पंडाल बनाया है, जिसका उद्घाटन कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने किया। उन्होंने उद्दीपनी पार्क सर्कस सार्वजनिक दुर्गा उत्सव और उसके दुर्गा पूजा की खूब तारीफ की। फिरहाद हकीम ने कहा कि माँ दुर्गा के दो रूप हैं, एक रूप में वो असुरों का संहार करती हैं तो दूसरे रूप में वो प्यार बांटती हैं। पार्क सर्कस उद्दीपनी का ये प्यार वाला रूप है। आपको बता दें कि उद्दीपनी क्लब के दुर्गा पूजा को 84 साल हो गए हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सभी धर्म के लोग दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई सीमा नहीं है, इसलिए सभी मजहब और जाति के लोग खुले दिल से यहाँ पहुंचते हैं और प्यार और भाईचारे का संदेश देते हैं। अर्जुन धवन और उनके साथियों ने पिछले साल डिजिटल दुर्गा पूजा का आयोजन कर सभी को हैरत में डाल दिया था। इस साल उन्होंने गीत संगीत की एक ऐसी महफिल सजाई है कि उद्दीपनी क्लब के पूजा पंडाल में आने वाला हर किसी का दिल झूम उठा है, जिसकी शुरुआत सूफी रॉक बैंड वाघा रोड के म्यूजिकल इवनिंग से हुई। वाघा रोड के कलाकारों ने अपनी आवाज से ऐसा समा बांधा कि हर कोई झूम उठा। इस मौके पर अर्जुन धवन ने कहा कि मेरा मकसद लोगों में प्यार बांटना और भाईचारे का संदेश फैलाना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ हर कोई मिलजुल कर खुशी के साथ उत्सव में शामिल हो। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इतना बड़ा और इतना अच्छा मौका दिया है। उद्दीपनी क्लब के पूजा के उद्घाटन समारोह में 64 नंबर वार्ड की काउंसिलर शम्मी जहां, बेनियापुकुर थाना के ओसी राजीव देव समेत काफी जानी मानी हस्तियां भी पहुंची थी। सभी ने उद्दीपनी क्लब के पूजा पंडाल प्रतिमा और उसके म्यूजिकल कंसर्ट की दिल खोल कर तारीफ की। हमारा लिए अच्छा है, इतना सुंदर हुआ है और दिस विद फ्रेंड्स फ्रेंड ना होगा ये तो हमारा बहुत का बनता है। यहाँ पर आज सुबह कर दिन में सर दुकान मार लिया है, इरादे क्या है आपके? पिछले साल आपने ड्रोन उतारा, इस साल वाघा रोड को लेकर चले हैं, क्या इरादे हैं? लोगों की सेवा करने का इरादा है, उत्सव मनाने का इरादा है, भाई भाई में प्यार बढ़ाने का इरादा है और खुशी बांटने का इरादा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया गया। इतना दिल को सुकून मिलता है आपको बता नहीं सकते। एक रोटी खा के वो मजा नहीं, जो आधी रोटी बांट के खा के मजा है। तो मैं माता रानी का शुक्र गुजार हूँ, ऊपर वाले का धन्यवाद कहता हूँ और एक स्पेशल अर्चना है मेरे दिल में। मैं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब से भी जुड़ा हूँ, कल हमारा ISL का बड़ा मैच है मोहन बगान के साथ, बहुत दिल से जुड़ा हूँ। माँ तुझसे आराधना है कल जिता दे, अगर कल जीत गए तो ये पूरा पार्क सर्कस झूमेगा, ये वादा रहा आपसे, धन्यवाद। कहेंगे ही कि पब्लिक बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं और उद्दीपनी कमेटी के अर्जुन और शिमदा दीपक गौरव इनका पूरा टीम हर साल इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लाजवाब है इन लोग का। हम तो बोलेंगे जो इन लोग का कोशिश और कामयाबी दोनों मिल जाए, क्योंकि अगर इन लोग को अवार्ड मिल जाए तो इससे खुशी से खुशी का बात और कुछ नहीं होता। हम थे, हम हैं, इन लोग के साथ हम रहेंगे, 95 से हम अटैच हैं। देखिए ये तो बहुत खूबसूरत बात है और बहुत अच्छा बात है, इसलिए कि इससे तो एक्चुअली हमारा इंडिया का फेस दिखता है और सिविलाइजेशन दिखता है और दिखता है कि हम सारे लोग मिलकर के जो है इस चीज को टुगेदरनेस लाते हैं, सब लोग
हर फेस्टिवल जो है सिर्फ पूजा की बात नहीं है, सब फेस्टिवल में जो है सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ करके जो है वो हिस्सा लेते हैं और यही खूबसूरती है हमारे इंडिया की। दो तीन साल पहले तक दुर्गापुर बाघ सर्कस पूजा का जब भी नाम था तो किसका नाम था, उद्दीपनी जब से अर्जुन ने लिया है एक नई शक्ल दी है, नए नए प्रोग्राम हो रहे हैं, सब तरह के सेलिब्रेशन हो रहे हैं, कैसा महसूस होता है? जी अर्जुन सभी को साथ लेकर के रखता है और सबको बहुत इज्जत देता है, इसके वजह से क्या होगा है कि सारे लोग जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं, सारे लाइक माइंडेड लोग हैं, तो क्या है कि सारे लोग आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे और उसका जो है क्या बात है उसको उसका जो खास है बहुत अच्छा है, इसी वजह से सारे लोग को जमा करता है और सबको आगे बढ़ाता है अपने पीछे मैसेज ये है कि वो जो धर्म के ऊपर के लिए हो रहा है कुछ पॉलिटिकल लोग जो है वो इस तरीके के हरकत कर रहे हैं और इंडिया को कुछ जवानी को जो है वो धंधा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हकीकत ग्राउंड लेवल पे आप आइए तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैन क्रिएटेड है, ये कोई मास क्रिएटेड नहीं है, ये चंद लोग हैं लोगों ने इस चीज को प्रयास किया है, हमको रखना है कि ये सारे लोगों का मिजाज सेक्युलर मिजाज है जो हमने देखा है।